हेलो गाइस, तो हम लोग हैं यहाँ पर उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जी के दर्शन कर रहे हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं नवीन भाई, और यहाँ पे ये लोकल हैं यहाँ के। नमस्ते, नाम बताइए। मैं मधुसूदन नोटियाल, मैं यही उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। उत्तरकाशी के हैं मधुसूदन भाई, और ये बताएंगे इस मंदिर की इम्पोर्टेंस। मैंने सुनी, हम लोगों ने सुनी, हम लोग तो बिल्कुल सरप्राइज रह गए। आपको अंदर के भी दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले ये जो है बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, महादेव शंकर जी का, और ये जो है उत्तर की काशी है, जिसे जो है उत्तर काशी नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की जो पुराणों में भी वर्णन है, आप जो है हर किसी मतलब शिव पुराण में आप इसका पूरा विस्तृत वर्णन है। और इसी के जस्ट सामने पे जो है पूर्व दिशा की तरफ जो है माँ शक्ति माता का मंदिर है, और यहाँ पे शक्ति का त्रिशूल भी है। जब कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब जब माता शक्ति ने जो है मधुर केटम नाम की जब दो राक्षसों का जब श्रृंगार किया, तो उस समय अभी भी मतलब ये विराजमान है। और ये यहाँ पे भी अभी काफ़ी रिसर्च होता है इस पे भी, इस शक्ति मंदिर के जो ये स्तंभ है, त्रिशूल है, लेकिन आज तक कोई साइंटिस्ट इसको फाइंड नहीं कर पाया कि ये कौन सा मेटल का है। तो अभी मतलब ये अभी हमारे साथ भैया दीपांशु है, और दिव्यांशु है, और नवल भैया भी है। तो इसमें ये इसका जो है मतलब एक ये जो मतलब आप अगर पूरे बलपूर्वक अगर इस पे अगर इसको स्पर्श करके अगर हिलाओगे तो ये जो है हिल नहीं पाता है, लेकिन अगर मन और श्रद्धा अगर आपकी सच्ची है तो आप जो है ये जो है तर्जनी से भी जो है मतलब इसे पूरा हिला सकते हो। अब ये जो है हम आगे वहाँ चल के जो है प्रैक्टिकली वो करेंगे, तो आगे चलते हैं वहाँ पर भी आपको अंदर के भोलेनाथ के दर्शन भी कराते हैं। उससे पहले एक बहुत ही अच्छी चीज़ भैया ने बताई कि ये जो मंदिर है इसकी डिज़ाइन हूबहू केदारनाथ के मंदिर की तरह करी गई है, और कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ के दर्शन कर लिए तो केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लिए। तो पहले ये देखते हैं। हूबहू केदारनाथ मंदिर की तरह डिजाइन, सेम कटिंग, सेम वही पत्थर। जय हो, जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तो इस मंदिर की पूरी कटिंग ये बहुत पुराने ज़माने का है, और तब जब मशीन्स नहीं चलती थी, इतनी ज़बरदस्त इतनी प्यारी कटिंग, बारीक कटिंग, विदाउट जिप्सम, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आस्था जो होती है वो साइंस के ऊपर निकल जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा।